यहाँ खाने में वड़ा नहीं है, तुम बना के रखना, मुझे खाना है आज। एक्सक्यूज मी, बोलिए। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। मैं लाइफ में जब भी टिकट लेता हूँ कोई दूसरा ही फिल्म देख के चला जाता है, जब भी टोकन लेता हूँ कोई दूसरा ही कॉफी पी के चला जाता है, जब भी मैं थाली लेता हूँ दूसरा ही खाना खा के जाता है, जब भी मैंने लुंगी सुखाने के लिए बाहर डाली कोई दूसरा ही पहन के चला जाता है। ऐसा इंसिडेंट हमेशा मेरी जिंदगी में होता ही रहता है, क्या करूं? आप रोड पे रहते हैं? नहीं, दिल में, मैं दिल में रहता हूं। कहते हैं ना कि एक इंसिडेंट इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, और आज मेरे जिंदगी में बदलाव आ चुका है। समझ में आया? नहीं, मुझे नहीं समझ आया। बिल्कुल बेवकूफ है। अरे एक गुड न्यूज है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। झुमरी तलैया यहाँ से कितनी दूर है? एबीसीडी में टोटल कितने वर्ड है? नहीं पता। धरती से चांद कितनी दूरी पर है? चांद की दूरी कुछ नहीं पता। तुम्हारी शादी हो गई क्या? तुम्हारी माँ की शादी हो गई क्या? अरे क्या कर रहे हो, मार रहे हो क्या? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये सारे सवाल मेरे नहीं है, ये सारे सवाल जिसने पूछने के लिए कहा है वो देखो वहाँ पे खड़ा है। वो क्या है कि वो तुमसे प्यार करता है, और पूछने के लिए बोला था तुम उससे प्यार करती हो या नहीं, वो देखो हाथ में लव लेटर लिए खड़ा है। मैं तो बेकार में फंस गया हूँ। अच्छा, हाँ। वो लड़का मेरे प्यार में पड़ गया है, तुम जाओ उससे मैं देखती हूँ। ओके, ठीक है। हेलो। यस। ओ, तो तुम हो, मुझसे प्यार करने के लिए साइकिल दिया था क्या? ये तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था। क्यों फाड़ा तुमने? अपॉइंटमेंट लेटर? पर उसने कहा था लव लेटर है। गांव के हजार लोग हजार झूठ बोलेंगे, सब पे भरोसा करोगी क्या? सॉरी जी। काहे का सॉरी? सॉरी बोलने से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा? मेरी लाइफ की लग ही गई। नहीं, पुरानी बात को याद रखकर आपने मुझसे बदला ले लिया। नहीं जी, उस लड़के ने आपके बारे में गलत कहा, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो ऐसा छोड़ूंगी नहीं। धोखेबाज, हे भगवान, इसने तो मुझे ही फंसा दिया। वो मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी उसे खूब मारूंगा। वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? आपके पास फोन है ना, मुझे दीजिए, ये मेरा नंबर है, फ्री रहेंगी तो कॉल कीजिए, बात करते हैं। ये तो भाभी नहीं दे रही है। मुझे टेंशन हो रहा है, आप मेरी नजरों से दूर हो जाइए। इसे कैसे समझाऊं? आपने खाना खाया क्या? खाना खाया क्या? आप मुझसे ये पूछ रही है? एक तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया, ऊपर से मुझसे पूछती है खाना खाया क्या। चली जाओ। मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए रुकिए, शादी में आके आप बिना खाना खाए गए तो दूल्हा दुल्हन की हनीमून अच्छी नहीं होगी जी। क्या कहा? ऑलरेडी शादी के 3 महीने पहले से हनीमून मना रहा है, इसके खाने ना खाने से क्या होगा? आप बिना खाए नहीं जा सकते, चलिए। खाइए खाइए, लड्डू एकदम मस्त है। थोड़ा शांत हो गया। अब आप क्या फील कर रही हैं? मैं कुछ नहीं फील कर रही। अब आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, इस वजह से आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपकी आंखों में दिख नहीं, रहा नहीं। है, ऐसा लग रहा है आपको कोई याद कर रहा है। कोई और नहीं, आप ही हैं। आपकी फीलिंग देखकर लगता है रात भर आप सो नहीं पाएंगी, मेरे बारे में सोचते रहेंगे और सुबह मुझसे आदत बोलेंगी। ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं, नहीं बोलेंगी आप। नहीं जी, मैं जानता हूँ आप बोलेंगी। कल सुबह 8:30 बजे लव यू बोल देना। लगता है आज काम हो जाएगा। ये तो इज्जत का कचरा कर रही है। आप ही से बात कर रही हूँ, जरा इधर आइए। देखो मेरी आंखें लाल हो गई है। हाँ ना, रात भर सोई नहीं होंगी, मेरे बारे में ही सोच रही होंगी, करेक्ट ना? ये बात नहीं है जी, किसके बारे में सोचूं, ये सोच के नींद नहीं आई और आंखें लाल हो गई। तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई है, तुम भी नहीं सोए क्या? सुनिए, रात भर मैं सोया नहीं इसके लिए लाल है। ऐसा क्या सोच रहे थे तुम? सब आपकी वजह से है। रात के 2 बजे किसी अजनबी का फोन आया था, पूछ रहा था कि मंडप में सिल्क साड़ी पहनी हुई लड़की ने तुम्हें किस किया क्या? ये क्या कह रहे हो आप? मैं कहाँ कह रहा हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं। और क्या बताऊँ आपको, सुबह 4 बजे ना एक प्रेस वाले ने फोन किया और पूछ रहा था कि ब्लैक कलर की स्कूटी वाली लड़की ने तुम्हारे लिए कैसी बातें करते हो जी? हाथ हटाइए ना, बताता हूँ। बात यह है, आप मुझे लड्डू खिला रही थी ना, तब किसी ने फोटो खींची और फेसबुक पे डाल दी, एक दिन में 15,000 लाइक्स मिली हैं, मैं तो बदनाम हो गया। लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? जी हाँ, आजकल मुझे कोई गणेश के नाम से नहीं बुलाता, लीला का लवर, लीला का लवर, लीला का लवर कह के पुकारने लगे हैं लोग मुझे। लीला लवर जोड़ी सुपर। चो चो चो, कौन है तू? बाद में मिल, तेरे को बताता हूँ मैं। ए
छोड़िए उसे, आप इतना फील क्यों कर रहे हैं, जाके अपना काम करिए। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, शादी तो मेरी टूट गई। आपकी शादी तय हो गई थी क्या? और नहीं तो क्या, वो तहसीलदार की लड़की से शादी तय हुई थी, नौकरी जाने से नाराज हो गए थे, फोटो देखने के बाद शादी तोड़ दी उन लोगों ने। आपने लेटर फाड़ दिया तो नौकरी चली गई, लड्डू खिलाया तो शादी ही टूट गई मेरी। आप चिंता मत कीजिए, मुझे मरने के लिए कोई कुआं या तालाब मिल जाएगा, उसमें कूद के। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं रात भर आपके बारे में सोच के एक अच्छा सा आइडिया देती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, खाना खा के सोना नहीं, हाँ संभल के जाना, हाँ बाय। टाइम क्या हुआ है जानती हो? जल्दी खाना खाओ, बहुत देर हो गई है। आजकल मुझे कोई गणेश के नाम से नहीं बुलाता, लीला का लवर, लीला का लवर, लीला का लवर कहके पुकारने लगे हैं लोग मुझे। ए लीला, कल से तो उसी के ख्यालों में खोई हुई है। ए भगवान, अरे ये लड़की है, ये पहलवान है, जान ले ले, अरे बचा ले मुझे, अरे भागो 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 यहाँ से। अरे पीछे हट जा, अरे तेरा नंबर कैसे आ गया, मैं पहले आई हूँ, ये मेरा नंबर है। दीदी ये टी-शर्ट पहनने वाले लड़की को देखो, तुम्हारे हाथ में है, वो कैसे पहनेगा? पागल पागल हो, मुझे पागल कहती है तू? पागल, ए उसकी तो ये पकड़ इसे, मेरी टी-शर्ट है, पकड़ो। अरे भागो जल्दी से टी-शर्ट पहन, ए पागल रुक, तेरी जान ले लेगी, कहां भागो कहां भागो, रुको तुम लोग उधर से जाओगे। बोलिए लीला। सुनिए, शादी में जिसने हमें बेवकूफ बनाया था वो मुझे मिल गया है, मैं कॉलेज वाली गली में हूँ। आप उससे बात मत करो, वो बहुत डेंजरस आदमी है, मैं वहाँ आता हूँ। किसका दुपट्टा है, इतनी गंदी बदबू, अरे क्या कर रही हो तुम? मौत को अगर मारना है तो सीने पे मारो, नहीं तो मैंने कहा सीने पे मारो। ये तो पकड़ा गया, कहीं सच तो नहीं बताया इसने? कोई बात नहीं, अब संभालता हूँ, अब तो बच नहीं पाएगा। गुस्सा मत करिए, उसे मत मारिएगा प्लीज। क्या है? वो कल रात मैंने बहुत सोचा आपके बारे में। सोचने से? आज हम दोनों फ्रेंड बने हैं तो उसी की वजह से, इसलिए मैंने उसे अपना ब्रदर बना लिया। आप इसे ब्रदर मान सकती हैं, लेकिन मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या कर रहा है, मेरी जान ले लेगा क्या?